देखते हैं ओके सो अ टॉपिक इज अबाउट द कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज़ एक्चुअली द सीटी स्कैन टोमो मीन्स माइस मतलब छोटा सा स्लाइस सॉरी स्लाइस स्लाइस होता है और ग्राफी मीन्स डिस्क्राइबिंग मतलब ये कि इसमें स्लाइस को हमने जो है ना डिस्क्राइब करना है मतलब छोटे छोटे ना बॉडी के स्लाइसिस लेने हैं सेक्शंस लेने हैं और उनको हमने डिस्क्राइब करना है इसको हम सीटी स्कैन कहते हैं अब सी स्कैन जो होता है ये हम एक्स एक्सरेज़ के साथ साथ जो है डिफरेंट एंगल्स को देखने के लिए डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ लेने के लिए बॉडी के उसको हम यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ से ही पता चल गया कि सी स्कैन का एक्चुअली डिफरेंस क्या है एक्स रेज़ वगैरह और अल्ट्रासाउंड से मेमोग्राफी से तो मेमोग्राफी तो एक्स रे की एक टाइप थी जिस जिसमें लो डोज एक्स रेज थी लेकिन सी टी स्कैन इज़ समथिंग एल्स जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट बॉडी के जो है वो छोटे छोटे स्लाइसिज़ लेते हैं उनकी जो है डिफरेंट एंगल्स से क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ लेते हैं बॉडी के तो टोमोग्राफी इज़ फ्राम द ग्रीक वर्ड जिसमें टोमोज़ का मतलब होता है स्लाइस और या सेक्शन और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग अब क्या वो बता रहे हैं कि जो है है सीटी uh, स्कैन में भी एक्स रेज ही यूज़ होती हैं जो कि एक्चुअली बॉडी से ट्रांसमिट होती हैं इसमें और उसमें कन्वेंशनल रेडियोग्राफ़ी में क्या होता है डिफरेंस के Uh, यहाँ पे जो हमारे जो होते हैं ना मल्टीपल डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं और मोर सेंसिटिव एक्स रेज जो है यहाँ पे यूज़ होती हैं और थ्री डी इमेज हमें मिलती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफ जिसमें हमें टू डी इमेज मिल रही थी ये समझ आया डिफरेंस एक्स रेज भी सेंसिटिव है मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं वहाँ पर सिर्फ एक डिटेक्टर था यहाँ पर थ्री डी इमेज है वहाँ पर टू डी डी टू डी इमेज थी यहाँ पर एक्सरे ट्यूब होती है डिटेक्टर्स होते हैं जो पेशेंट के अराउंड मूव कर रहे होते हैं और जो है वो बता हैं कि इसका एक बहुत अच्छा फीचर यह है कि इसमें स्मॉल डिफरेंट इन एक्स रेज जो है वो हम विजुलाइज कर सकते हैं अब इसकी डिफरेंट रेंजेज़ होती हैं एक्स रेज की और जो है नॉट ओनली द फैट कैन बी डिस्टिंगश फ्रॉम द सॉफ़्टर टिश्यूज लेकिन उनकी ग्रेडिएशन ऑफ डेंसिटी जो है सॉफ्ट टिश्यूज में वो भी हम देख सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल हम ब्रेन सब्सटेंस को सी में से देख सकते हैं ट्यूमर को हम सराउंडिंग टिश्यूज से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ट्यूमर पड़ा हुआ है और इससे जो है uh, लेकिन इसका मसला क्या है इसका मसला क्या है सी स्कैन का फ़ायदे तो बहुत हैं कि थ्री डी दे रहा है इतने ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करके दे रहा है लेकिन नुकसान क्या है नुकसान क्या है कि हाईली रेडिएशन डिपेंडेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन uh, मतलब ये कि कोई बंदा चार सौ ले रहा है ना तो वो एक सी स्कैन के इक्वल है तो इतने मज़े से नहीं सीटी स्कैन हर किसी का करवाना कर, शुरू कर देना ये बहुत हार्मफुल होती हैं इसकी रेज़ वन सीटी स्कैन इज़ इक्वल टू फोर हंड्रेड कन्वेंशनल जेस्ट रेडियोग्राफ्स मैकेजम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है कि जब एक्स रेज जो होती हैं वो हमारी पास करती हैं टिश्यूज़ में से तो वहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं जो कि उनको डिटेक्ट करते हैं और कंप्यूटर पे सारा वो डिस्प्ले कर देते हैं इमेज को डिफरेंट सेक्शंस जो हैं एग्जल सेक्शंस जो हैं हम लेते होते हैं अब ये जो है ये टिश्यूज़ की डेंसटी इसको बहुत अच्छे से डिफ्रेंश करती है और उनके स्लाइसिस बनाती है और इसके अलावा फोर थाउजेंड शेड्स जो हैं वो हम हम देख सकते हैं इसके अंदर मतलब ये कि शेड्स मतलब देखें आ, मतलब कि एक्सरेज़ के अंदर थर्टी शेड्स थे मतलब कि वाइट ग्रे ब्लैक वाइट ब्लैक लेस ब्लैक ग्रे इस तरह के ना थर्टी शेड्स थे यहाँ पे फोर थाउजेंड शेड्स बॉडी के आते हैं और इसे हम बहुत अच्छे से डिफ्रेंशेट कर सकते हैं कि हाँ ये टिशू है ये कौन सा टिशू है ये कौन सा टिशू है ये कौन सा टिशू है, है ये आपको नीचे नज़र आ रहा है देखें ऊपर एक्सरे ट्यूब लगी हुई है नीचे इतने ज़्यादा डिटेक्टर्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स आपको दिखाए मैं दरमियान में पर्सन कर रहा है जिसका एक्स हम सी टी स्कैन ले रहे हैं और फिर वो डिटेक्ट हो रहा है सारा कुछ तो दिस इज़ एक्चुअली द मैकानिज़म फॉर द सी टी स्कैन मैकेानाज़म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस मैंने आपको गो थ्रू करवाया ताकि आपको पता हो अब कॉमन यूजेस क्या होते हैं कि हम चेस्ट डोमिन को स्टडी करने के लिए हम सी टी स्कैन करवाते हैं डिफरेंट कैंसर्स को डायग्नोज करने के लिए लग लंग कैंसर है लिवर कैंसर है पैंक्रियाटिक कैंसर है उसको आपको पता है सी टी स्कै ये जो सी टी एम आर आई होते हैं ना ये कैंसर्स की स्टडी में ज़रूर हम लिखते होते हैं वापसी ज़रूर लिखते होते हैं तो इस वजह से ना अच्छा इसके अलावा क्या है कि हम जो है वो डिफरेंट ट्यूमर्स के लिए आ, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट करना होता है हमने तो हम यहाँ पर इसकी जो है रेडिएशन्स मतलब एक्सिटी स्कैन करवाते हैं हम बायोपसी इसको गाइड करने के लिए करवाते हैं मतलब ये कि हमने इस जगह से बायोपसी लेनी है तो सी टी स्कैन करके उस जगह को व्यू किया और वहाँ से बायोसी ले ली फिर ऑब्वियसली जब हमें डिटेक्ट हो गया कि हाँ अब ये कैंसर है ये ट्यूमर बढ़ा हुआ है हमने अब प्लान करनी है सर्जरी कि हम जो सर्जिकली रिसेक्टेबल ट्यूमर्स हैं उनको हम वहाँ बॉडी से निकाल दें इसके अलावा क्या है ये हमारा जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी को भी मैयर कर सकता है ये ऑस्टोप्रोसिस की डिटेक्शन के लिए मतलब कि ऑस्टोप्रोसिस की एक फ़ीमेल है उसकी बोन मिनरल डेंसिटी को मैयर करेगा अगर वो कम होगी इसका मतलब कि ये ऑस्टोप्रोटिक बोन है इसी तरह कोई बंदा जो है वो चोट खा के आ जाता है ट्रामा के साथ तो उसके लिवर स्प्लीन किडनीज को इंजरी हुई होती है तो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्विक करने के लिए सी स्कैन करवा लिया इसी तरह आपको पता है कि आपके सर्जरी जो होती है वहाँ पर एमरजेंसी में बहुत से लोग होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में उनके सर के ऊपर चोट लगी होती है तो हम जल्दी जल्दी सी टी स्कैन करवाते हैं एपीड्यूरल सब ड्यूरल या सब और हेमरेज को डिटेक्ट कर लेते हैं इसी तरह फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर द इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स है इन्फॉक्स है कंजेटल इंट्राक्रेनियल मेलफॉर्मेशन जो हैं उसमें भी हमारी सी टी स्कैन ही हेल्पफुल है इसी तरह जैसे हमने पढ़ा था ना आई वी यूरोग्राफी जिसमें एक्स रेज हमने यूज़ किए थे इसी तरह भी है आई वी कंट्रास्ट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सीटी स्कैन जिसमें हम वैसकुलर इमेज़स ले सकते हैं वेसल्स की नैटमी देख सकते हैं मेलफॉर्मेशनस देख सकते हैं इसी तरह हम जो है वो ट्राई फेजिक्स सी टी स्कैन लेते हैं अब का लिवर के लिए पैक्राटिक पैथोलॉजीज के लिए ट्राई फेजिक्स सी टी स्कैन क्या होता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सिस्टेमिक सर्जरी में लिवर की जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ट्राईफेजिक सी टी स्कैन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वहाँ पर तो ये हमारा जो है बहुत हेल्पफुल है मतलब सीटी स्कैन के क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं आपको ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर सर्जरी करने से पहले प्लान करने से पहले बोन को देखने के लिए इसी तरह हेड की इंजरी है इसी तरह पेट को देखने के लिए डामिन को चेस्ट को देखने के लिए कैंसर्स को देखने के लिए वापसीस लेने के लिए ये जो है हमारा हेल्पफुल है फिर हम करते हैं एक हमारी होती है सीटी एंजियोग्राफी आपने सुना होगा कि जैसे हम हार्ट का एंजियोग्राम लेते हैं ना इसी तरह सीटी स्कैन सीटी एंजियोग्राम होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो है इट इज़ नॉन इन्वेसिव पेरीफ्रली इंट्रावेनस इंजेक्शन हम कंट्रास्ट मतलब के कोई भी पेरीफ्रल वेन है ना उसमें कंट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट कर देते हैं और फिर एंजियोग्राम लाइक इमेजेस जो है वो हम बॉडी में ले लेते हैं तो वो उन्होंने नीचे प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि हम आई वी कंट्रास्ट देंगे और उसके बाद हम जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राई फसिक सी टी स्कैन में कि आर्टीरियल फेज़ होता है जो कि बिल्कुल आ, कंट्रास्ट के पाँच से तेरह सेकेंड के बाद होता है कि जब जो हमारा कंट्रास्ट होता है ना जो हमने ऐड किया होता है बॉडी में वो आर्टरीज में से गुजरा होता है तब हम सी टी स्कैन ले, ले लेते हैं इसी तरह जब वो कंट्रास्ट हमारा जो है वो बेंस में से गुज़रा होगा वहाँ पे ले लेंगे इस तरह करते करते हम जो है वो करवा करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें हम जो है वो ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट और फ्लोरोस्कोपी वाले यूज़ करते हैं थ्री डी इमेज हमें मिल जाती है और ये सारा मतलब सीटी एंजियोग्राफी आपने नाम याद रखना है फिर आ जाता है हमारा एम अब इसके टॉपिक्स यू डिस्कस करने के बाद हम एम की तरफ आते हैं सो so, सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ यूजेस ऑफ़ द थ्री थ्री डी डायमेंशनल मल्टी प्लानर रिकन्सट्रक्शन सी टी स्कैन तो आपने बताना है कि जो मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं कि हेड चेस्ट एबडामन को देखने के लिए हड ट्रामा के पेशेंट्स में ट्यूमर को देखने के लिए उसकी स्टेजिंग करने के लिए कि उसको हम सर्जिकली रिसेक्टेबल कर सकते हैं रेडियो सेंसिटिव है या नहीं सी टी गेड बाइपसी ले सकते हैं बोन मिनरल डेंसिटी को ऑस्ट्रोप्रोसिस के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये सारे इसके फ़ायदे हो गए उसके बाद हमने पूछे हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ़ सीटी स्कैन क्या है एक तो ये कि हाई डेज हाई रेडिएशन डोज होती है कि वन सीटी स्कैन इज़ इक्वल टू फोर हंड्रेड कन्वेंशनल रेडियोग्राफी एक्सरेज़ और दूसरा ये कि एक्सपेंसिव होता है और पेशेंट को जो है एक जगह फ्लैट स्टिल बैठ लेटना पड़ता है और पोअ रेजोल्यूशन होती है फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज आपको पता है सीटी स्कैन जो होता तो है ना बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है और एम आर आई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हेल्पफुल होता है तो वो कहते हैं कि पोअ रेजोल्यूशन होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए तो ये इसके नुकसान हो गए उसके बाद ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड टाइम फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट लेडी है उसको जो है वो सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा गया ऑफ द नेक फॉर द स्मूथ स्वेलिंग ऑफ द नेक जो कि स्वेलोइंग के दौरान मूव कर रही थी अब रेडियोलॉजिस्ट जो है उसने कहा कि नहीं जो है ना सीटी स्कैन नहीं करवाना तो कुछ और करे तो आ, वो क्यों डिसएग्री उसने किया डिसग्री इसलिए किया क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है ना और हमें पता है सी स्कैन की तो हाई रेडिएशन डोज होती है तो वो तो फीटस के लिए नुकसान है इस वजह से उसने कहा और दूसरा ये कि उसको बिल्कुल एक जगह लेटना पड़ेगा स्टिल और तीसरा रेजोलूशन का मसला है तो ये एक चीज़ आती थी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हाई रेडिएशन डोज होती है और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए तो वो अच्छी नहीं है ऑल्टरनेटिव इमेजिंग आप क्या उसको रिटे करोगे कि आप कहोगे कि अल्ट्रासाउंड करवा लो क्यों क्योंकि अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन रिस्क नहीं है वो गायनी और जो है गायनिकोलॉजिकल डिजीजेज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और सॉफ्ट टिश्यूज़ की रेजोल्यूशन के लिए भी अच्छा है तो ये इसका है और ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड के लिए उसको एज सच मतलब एक जगह लेटना नहीं पड़ेगा थोड़ी देर का काम होगा जल्दी से फारिक होकर चली जाएगी तो फिर हम वो जो स्वेलिंग नेक में है उसके लिए अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देंगे फिर आ जाता है ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड थ्री मंथ्स प्रेगनेंट लेडी है वो इमरजेंसी में आई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका बहुत बुरी हालत है जी सी एस स्केल भी देखे सेवन हुआ, हुआ हुआ है एक्सप्रेस कल में हमें डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मिला है लेफ्ट लेफ़्टाइटल बोन का हमने करवाया उसका सी टी स्कैन तो सी टी स्कैन की इंडिकेशन इस पेशेंट में क्या है एक पेशेंट में यही मसला है कि उसका जी सी एस स्केल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ है दूसरा ये है कि उसका ऑल्टर सेंसोरियम है तीसरा ये कि उसका जो फ्रैक्चर है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है उसकी स्कल की इंजरी है और इसके अलावा उसकी ट्रॉमा के बाद वो आ रही है और उसको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हो रहे होंगे मतलब ये सारे मसले जो है ना इनकी वजह से हमने सोचा कि हाँ कोई ना कोई मसला तो है उसके अंदर Uh, मतलब के ब्रेन के अंदर तो हमें सी टी स्कैन ब्रेन एडवाइस कर दिया सो आर द इंडिकेशंस ऑफ सी टी स्कैन इन दिस पेशेंट कि डिटेक्ट कर सकें कोई अंदर कोई हिमाटोम वगैरह तो नहीं बन गया कोई ब्लड तो नहीं लीक हो गया स्पेशल प्रिकॉशंस आप क्या उसको एडवाइस करेंगे आप उसको कहेंगे कि हम स्कैनिंग तो आपकी सीटी स्कैन कर रहे हैं लेकिन जो आ, आ, जो है मेटल ऑब्जेक्ट्स आपने जो भी पहने हुए हैं वो सारे रिमूव कर दें आपको पता है अगर फीमेल ने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हो गले में कान में उन सबको हम रिमूव करवाते हैं फिर हम कहते हैं कि आ, जो है ना हम आ, बहुत कोशिश करेंगे कि आप प्रेगनेंट हैं तो हम फीटल एक्सपोजर जो है ना उसको कम से कम रखें रेडियशनस को मतलब कि फीटस को एक्सपोजर ना हो इसके अलावा कंट्रास्ट जो हम इंजेक करें उसका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है तो ये बात आ जाती है सो so, एम की बात करते हैं कि 1980 में जो है ना इसको डेवलप किया गया था इसमें क्या होता है डिफरेंट रेडियो वेव्स होती हैं उनके दरम्यान में जो है वो इंटरेक्शन होता है और एटॉमिक न्यूक्लिया के दरमियान में जो बॉडी में होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनका बाकी सबसे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है होता क्या है कि आपको पता है कि हर टिशू जो हमारी बॉडी का है ना उसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स जो है ना उनमें उनके जो न्यूक्लियस होते हैं आपको याद है वो केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े होते थे तो वो होते हैं जब हम उन एटम्स को ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना तो उसकी वजह से ना वो ना एक बिल्कुल ना ना, आ, मतलब रेडी होके बैठ जाते हैं मतलब ये कि ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स थे ये हमारे टिशू है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स पड़े हुए हैं ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं जब हमने इनके इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फेंकनी होती है ना उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना ये बिल्कुल ना अलाइन हो जाते हैं मतलब कि ऐसे ना मतलब बिल्कुल रेडी होकर ना खड़े हो जाते हैं तो ये जो रेडी होके खड़े हो जाते हैं ना मतलब ये कि बिल्कुल एक अलाइनमेंट कर लेते हैं ये हो गया अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दी होती है ना फिर उसको ना ख़त्म कर देते हैं तो जब हम खत्म करते हैं ना तो वो दोबारा से ना अपनी उसी जगह पे वापस वापस चले जाते हैं मतलब जो उन्होंने रैंडम पोजीशन रखी हुई थी अब जो अपनी वापस वापस उसी जगह पे वापस जाते हैं ना उस दौरान वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं वो सिग्नल्स जो हैं हम डिटेक्ट कर लेते हैं और वो जो सिग्नल होता है एक्चुअली वो एक इमेज क्रिएट कर देता है तो इससे हम जो है ना एम आर आई पर इमेज देख सकते हैं ये देखें ये सारा यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने रेडियो एक फ्रिक्वेंसी भेजी उसने क्या किया उनको लाइन कर दिया फिर वो सीज़ की हमने तो वो दोबारा अपनी जगह पे वापस चले गए जब इन दूर इसके दौरान रेडियो फ्रिकवेंसी सिग्नल्स आते हैं तो वो हमारी एक्चुअली डिटेक्ट होते हैं और उसकी वजह से इमेज जो है वो बन जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो है वो डिफरेंट इमेज़ uh, जो हैं वो बनती हैं तो इसमें हमारी ना दो तरह की इमेज़ बनती हैं ये या आपने याद रखनी है टी होती हैं और टी होती हैं इनका आपको डिफ़्रेंस आना चाहिए यू है बताती हूँ ये टेबल आपका यू है बहुत आसान है देखें आप को एक चीज़ बताऊंगी उससे आपको याद हो जाएगा टी वन इमेज है और टी टू टी टू इमेज है टी क्या होती है कि फ़ैट के लिए होती है और फैट जो है ना ये ब्राइट होता है मतलब कि बहुत ना मतलब याद रखिए कि एक फ़ैट है और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है चमक ग्राट ठीक है।, है तो इससे आपने याद कर लेना है दूसरी तरफ वाटर होता है वाटर जो है वो हमारा जो है वो ब्राइट नहीं होता ठीक है आ, मतलब इसमें ना सॉरी वाटर हमें ब्राइट यहाँ पे नज़र आएगा ठीक है वहाँ पे फ़ैट ब्राइट नज़र आएगी टी वन में और टी टू में ना वाटर ब्राइट होगा ये इस तरह से याद रखता है मुझे वो जी मौनिक इस तरह से याद किया था तो टी वन क्या है फैट वेट इमेज है इसमें क्या होता है कि फैट जो है वो ब्राइट नज़र आती है और इर्द गिर्द फ्लूड जो होता है वो डार्क नज़र आता है ठीक है और इससे हम अनाटमी जो है ना उसको डिटेक्ट करते हैं जबकि टी में क्या होता है वाटर इमेज बे होती है यहाँ पे हमें फ्लोइड जो है वो ब्राइट नज़र आता है और फैट लेस ब्राइट नज़र आती है मतलब टी में फैट ब्राइट होगी टी में वाटर ब्राइट होगा मतलब फ्लोइड ब्राइट होगा और टी में क्या था है अनाटमी के लिए था टी टू क्या है पैथोलॉजी के लिए यह आपने डिफ्रेंस याद रखना है इससे जो है ना इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस आपको ये आना चाहिए फिर एडवाटेजेस क्या है एम आर आई के सि टी स्कैन के ऊपर कि सी टी स्कैन हमने कहा कि वहाँ पर एक्स रेज थी इतनी ज़्यादा हाई डोज रेडिएशन वन सी टी स्कैन इक्वल टू तो फोर हंड्रेड एक एक्स रेज यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं है यहाँ पर कोई आ, जो है वो आ, बोनी या एयर के आर्ट नहीं होता यहाँ पर मल्टी सेक्शनल इमेज हम देख सकते हैं यहाँ पर हाईली इंटेंसिव कंट्रास्ट होता है जो हम सी टी एम आर आई में यूज़ करते हैं इसमें स्पेसिफिसिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ डिजीज़ जो है वो हम मोर एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं फ्यू diseases कैन be डायग्नोज अर्ली तो ये सारे हो गए एम की मशीन आपको मुझे दिखाई है ये यहाँ पर देखिए एम आर आई मशीन जिसके अगर पेशेंट ले जाता है सीधा और फिर हम उसका एम आर आई ले लेते हैं सी टी स्कैन के लिए इस तरह की होती है तकरीबन। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके यूजेज़ ऑफ़ एम आर आई क्या है कि मैंने कहा सी टी स्कैन जो है वो बोन्स के लिए हेल्पफुल था एम आर आई आपका सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है लाइक हार्ट लंग्स लिवर ब्रेन कॉर्ड एंड अदर एमआरआई में हम कंट्रास्ट मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो गेडोलिनियम होता है और इसका इसका सी टी स्कैन से क्या डिफरेंस है डिफरेंट स्कैन में जो हम कंट्रास्ट यूज़ करते थे ना वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करता था यहाँ पे जो हम गेडोलिनियम परफॉर्म करते हैं यूज़ करते हैं उसका इतना ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता ठीक है देन द आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट यूरोग्राफिन जो कि हम एक्स रोजर सी टी स्कैन में मतलब एक्स रोजर सी टी स्कैन में हम जो है वो यूज़ करते थे यूरोग्राफिन जो कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक था यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेडोलिनियम जिसका इतना एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता तो दो फ़ायदे हो गए एक सॉफ्ट इशूज़ के लिए हेल्पफुल है दूसरा ये कि इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है तीसरा ये मतलब लैग जी क्रैक्शन की नहीं होती तीसरा ये कि ये हमारा जो है वो एबनॉमिलिटीज़ जो हैं जो दूसरी एबनॉमिलिटीज़ हैं जो हमें सिटी स्कैन से नज़र नहीं आई वो नज़र आ जाती हैं इसी तरह जैसे हमें सिटी एनजियोग्राफी किया था यहाँ पर एम आर आई एनजियोग्राफी होता है जो जो कि नॉन इन्वेसिव है आल्टरनेटिव टू द एक्सरे एनजियोग्राफी और इसमें इसके अलावा इसकी आपको पता है एम आर सी पी ई आर सी पी इसकी फॉर्म्स होती है एम आर सी टी मतलब इसकी फॉर्म होती है सॉरी एम आर सी टी मतलब ये कि ग्विलरी ट्री को देखने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस को रेजेंस एंटोटोग्राफी होती है ये मैंने आपको सिस्टमिक सर्जरी में दिखाई थी इसके लिए दोबारा ले जाएंगे जल्दी जल्दी कवर करेंगे इस जनरल सर्जरी को यहाँ पर मुझे लगेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको कोई पिक्चर दिखाने वाली लगती है वो दिखा दूँ उसके बाद वो कहते हैं मोस्ट रिसेंटली जो हम के लिए यूज़ करते हैं स्टेजिंग के लिए कैंसर्स की स्टेजिंग के लिए गायनोकोलॉजिकल मेडिकेंसिस के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसमें रेडिएशन डोज जो है उसकी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होती है आज पल होते सी टी स्कैन क्या क्या फ़ायदे है सॉफ्ट टिश्यूज़ को डिटेक्ट करता है इसमें इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है इसमें हमारे एंजियोग्राफी करते हैं एम आर सी पीज़ की फॉर्म है, है बहुत अच्छी और इसके अलावा स्टेजिंग ऑफ कैंसर्स के लिए गैनोकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए और रेडिएशन डोज बहुत क्या है लिमिटेशन क्या है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा महंगा है टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि एक प्रोसीजर तकनीक जो है इसका जो हम करते हैं पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटना पड़ता है तकरीबन फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए जो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है उसके बाद जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हाई हाँ होती है तो इसमें ना आपको ज़रूर अगर पेशेंट में अगर फीमेल है अगर उसके कोई कांटे वगैरह पहने हुए हैं कोई ईयर रिंग्स कोई नेक्फलेस वग़ैरह वो सारा उतरवा देते हैं जो घड़ी ऐसी मेटल की पहनी है वो लड़कों की उतरवा देते हैं क्यों क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता है वो अच्छी नहीं होती इस तरह की चीज़ों के लिए तो फिर ना जो लोग होते हैं ना जिन्होंने मेटालिक इम्प्लांट्स रखवाए होते हैं लाइक पेस मेकर हो गया हार्ट के अंदर या बोन्स के अंदर उन्होंने प्रोस्थेटिक ऐड किया हुआ या हार्ट बॉल्स के अंदर प्रोस्थेटिक लगाया हुआ है या अनोरिज्म की क्लिप्स लगाई हुई हैं तो उनके लिए फिर ये ऑबियसली पेशेंट्स में हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे काउंटर इंडिकेशन्स की होती हैं ये भी आपका झूठी है कि अगर उसके मुतल फ़ॉरन बॉडीज़ हैं उसकी बॉडी है, में लाइक फेस मेकर हार्ट वॉल्स प्रोस्थेटिक हैं या एनोरिजन क्लिप्स हैं उन केसेज में हम नहीं करेंगे कॉकलीरम प्लान्ट किसी ने रखाएं तो नहीं करेंगे क्रेनियल एनोरिजन क्लिप्स हैं वो नहीं करेंगे रिलेटिव क्या है कि फ़र्स्ट ट्रेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम उसको नहीं परफॉर्म करते एमआरआई uh, को और क्लास्ट्रोफोबिया क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होल्स फियर ऑफ होल मतलब के जो है ना सुराख का होल है होल से जो है ना उसको डर लगता तो है, तो है तो ये होल ही है ना किसी को क्लास्ट्रोफोबिया है तो हम उसको उसको घर नहीं बता सकते बेचारा डर के भाग जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम यूटीज सीखते हैं तीज़े सो so, देखिए 80 इयर्स ओल्ड मेल है उसको फाइव डेज हिस्ट्री है एबसलूट कॉन्स्टिपेशन की और एबडामिनल डिस्टेंशन की उसको आ, जो है वो स्टूल में ना ब्लड आ रहा होता है कभी कभार तो कौन सी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो इसमें एक तो हमारी होगी ना बेरियम फॉलो थ्रू इसके अलावा एम आर कर सकते हैं सी स्कैन एबडामिन कर सकते हैं तो ये हेल्पफुल हो गया मतलब अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अल्ट्रासाउंड गैस को नहीं डिटेक्ट कर सकता एक्सरेज भी ऐसा हेल्पफुल नहीं है इसमें हम एम आर स्कैन और बेरियम फॉलो थ्रू करेंगे फॉलो थ्रू क्यों करेंगे कि हमने इंटेस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन को देखना है फिर हमारे पास एम वो बताते हैं बहुत यूज़फुल डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है टी और टी में क्या डिफरेंस है टी वन में, में आपको तो फैट ब्राइट होती है और वाटर जो है वो डार्क होता है टी में वाटर ब्राइट होता है और फैट डार्क होती है टी जो है एनाटमिकली हेल्पफुल होता है और टी जो है वो पैथोलॉजिकली हेल्पफुल होता है फिर हमारे पास क्या है कि टू न्यूअर ऑफ कन्वेंशनल एम मैंने आपको बताया एक हो एम आर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी होती है और मैग्नेटिक रेजोनेंस कोल एनजियोक्राटोग्राफिक एम होता है फिर एबसोलूट कॉन्ट्राइडिकेशन एम आर है मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट में ना आ जाती हैं मेटालिक इंप्लांट्स हैं कॉक्लियर इंप्लांट्स हैं क्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप्स हैं या पेसमेकर्स हैं दीज आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्रिंडिकेशनस उन्होंने आपसे दो पूछे हैं वो आपने बता देने फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि फुटबॉल प्लेयर है उसको ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है राइट नी में उसका हमने एम आर आई एडवाइस किया तो इसमें जो है कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस इमेजिंग टेक्निक तो हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले हमारा जो है वो एटम्स जो हैं वो बिल्कुल हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो हर हमारे टिशू के अंदर होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत पहले लाइन हुए होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से सॉरी रैंडमली पड़े होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से लाइन हो जाते हैं और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड दूर करते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजिशन में वापस जाते हैं उस दौरान जो एक रेडिएशन uh, प्रोड्यूस होती है उससे हमारी इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं तो ये हमारा इसका होता है उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं लिमिटेशंस क्या हैं कि जिन लोगों को मेटेलिक प्लान्स हैं कॉकलियम प्लान्स पेस मेकर है सर्जिकल क्लिप्स हैं या क्लास्ट्रोफोबिया है, फर्स्ट सेमेस्टर प्रेगनेंसी उसके अंदर हम इसकी इसको एम को परफॉर्म नहीं कर सकते अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम इमेजिंग इन अक्यूट एड नॉर्मल कंडीशन करेंगे और न्यूक्लियर मेडिसिन करेंगे इनशाला